डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपको बताऊंगा डॉक्टर अब्दुल सलाम के बारे में। डॉक्टर अब्दुल सलाम की कब पैदाइश हुई थी? 1936 में एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिसका नाम जैंग था, जो पंजाब के अंदर है। उनका काम क्या था? उन्होंने इंटरनेशनल सेंटर बनाया थियोरेटिकल फिज़िक्स के लिए, जो एक जगह है जहाँ बहुत सारे फिज़िक्स के एक्सपर्ट फिज़िक्स आते हैं, जिन्हें अपने काम के होते हैं, अपनी थ्योरीज बताने आते हैं, जो फिर देखते हैं कि ठीक है या नहीं। तो ये बहुत अच्छा काम किया था, इससे बहुत फ़ायदे हुए हैं हमारे। और फिर एजुकेशन, ने एजुकेशन ली गवर्नमेंट कॉलेज जो लाहौर में था। और फिर उन्होंने ऑप्टेन क्या किया? उन्होंने की गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, क्योंकि उन्होंने एडवांस स्टडी की थी यूके के अंदर। अवार्ड क्या मिला? उन्हें अवार्ड मिला नोबल प्राइज फिज़िक्स में 1979 में, क्योंकि उन्होंने ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी बनाई थी, जिसे GUT भी कहते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो समझ में आए तो इसे लाइक ज़रूर किएगा और दूसरों के साथ शेयर भी किएगा। और अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।